समाज की सेवा के लिए अपना जीवन खपाते हैं तो सरकार बनाने का अवसर मिलने पर भी यह हमारी प्राथमिकता होता है। इसलिए ही आज पूरे भारत में भाजपा सरकारें आकांक्षा, विकास और प्रगति का पर्याय बन रही है और ये भाजपा का ब्रांड ऑफ गवर्नेंस है। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां गरीब कल्याण के लिए योजनाएं तेज गति से चलने लगती है। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित हो जाता है। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां युवा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए नए अवसर बनते हैं। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां योजनाओं में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने लगती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के प्रयास बढ़ने लगते हैं। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलते हैं। साथियों, मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, एकेडमिशियंस और एक्सपर्ट्स भारत के पिछले 75 साल के अलग अलग गवर्नेंस मॉडल्स की कंपैरेटिव स्टडी करें, एनालिसिस करें, देश और दुनिया के सामने रखे। देश ने लंबे समय तक कांग्रेस का एक गवर्नेंस मॉडल देखा है, देश ने कम्युनिस्टों का भी कुछ राज्यों में गवर्नेंस का मॉडल देखा है, देश ने परिवारवादी फैमिली रन पार्टियों के काम करने का तरीका भी देखा है, अलग अलग गठबंधनों की सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देश ने देखा है और देश आज पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देख रहा है। एक निश्चित पैरामीटर्स के साथ जब इसकी एनालिसिस होगी तो गवर्नेंस के मॉडल का महत्व समझ में आएगा, देश के सामान्य मानवी को भी पता चलेगा कि गवर्नेंस के किस मॉडल ने देश को क्या दिया, उसके परिणाम क्या निकले और उनके लिए क्या बेहतर रास्ता है।